अरे यहाँ छत के एक, ऊपर इतना बड़ा पपीता। हाँ जी ये क्यारी है थोड़ी सी, हाँ उसी में हाँ लगा दिया था। क्या बात है, तोरी तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ साइज अच्छा हो गया। साइज बहुत ही अच्छा हुआ है। ये देखिए ककड़ी, ये हो रखी है एक। अरे वाह, ये घिया अब इस बार अच्छे हो रहे हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आया हुआ हूँ शशि मैम के पास, गुड़गांव में रहती हैं। लास्ट वीडियो इनका शूट किया था 2 साल पहले, और तब और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। जो पहले इन्होंने लगभग 50-60 गमले हुआ करते थे, आज आप अगर इनके छत पर देखेंगे तो देखिए पूरा बैकग्राउंड आपको पेड़ों से भरा हुआ मिलेगा। हर तरह की सब्जियां इन्होंने उगा रखी हैं, ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो इन्होंने छोड़ रखी है। विंटर की तैयारी कर रखी है, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या सॉइल कॉम्बिनेशन रखा है, क्या कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं शशि मैम से। मैं शशि मनचंदा गुड़गांव में रहती हूँ। अच्छा, और देख रहे होंगे आपने गार्डन बहुत ही बड़ा बना रखा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और फुल। तो ये कितने सालों की मेहनत है या कितने दिनों की मेहनत है? ये मेरा स्टार्ट हुआ था 2019 नवंबर से। अच्छा, 2019 नवंबर, अपडेट भी याद है बिल्कुल। हाँ, अब 2 साल हो रहे हैं। जब मैं प्रवीण जी से मिली थी, सर अच्छा, से मिली थी, तभी से स्टार्ट किया सारी गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग स्पेशली। हाँ, गार्डनिंग तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन वो दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह। तो यहाँ धूप बहुत है, जगह भी मुझे भगवान ने दी, तो मैंने फिर वेजिटेबल गार्डनिंग स्टार्ट की। तो गार्डनिंग मतलब स्टार्टिंग, मतलब पहले जो कर रही थी और अब में कर जो है, दोनों में क्या फ़र्क है पहले और अब में? पहले तो मैं वेजिटेबल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो जब से सर से ट्रेनिंग ली है, हाँ, तब से धीरे 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 करते अच्छा। करते अभी 2 साल में इतना यहाँ तक पहुँच गई। तो मतलब जो लास्ट टाइम मैं आया था उस समय आपका स्टार्टिंग, दैट वाज द फर्स्ट सेशन, ट्रेनिंग सेशन, वो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था। उस समय मैंने देखा था कुछ 40-50 थे उस समय आपने लगा रखे थे। हाँ, वो थोड़े थोड़े लगा रखे थे। और अब तो बिल्कुल ही छत बिल्कुल जंगल बन चुका है, बिल्कुल जंगल। क्या क्या वेजिटेबल है जो मेन फोकस है आपका अभी? तो समर्स की भी वेजिटेबल्स चल रही है, जैसे ये है तोरी है, घिया है, लोबिया। हाँ, ये देखिए तोरी हो रही है, ये मैं काट ही लेती हूँ। क्या बात है, तोरी तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ, साइज अच्छा हो गया, साइज बहुत ही अच्छा हुआ है। ये गॉड्स गिफ्ट है जी। तो ये मतलब कितने दिनों का रिजल्ट है ये? तोरी होने में ये 3 महीने हो गए। 3 महीने में? हाँ जी, मतलब ऑर्गेनिक में भी अच्छी, मतलब हाँ अच्छी हो जाती बिल्कुल। ये तो मैंने जल्दी काट ली, थोड़ा वेट कर लेते अच्छा तो और बड़ी हो जाती। लालच बुरी बला है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट रहती है, नहीं तो थोड़ा पकने का भी डर रहता है कि पक ना जाए। तो मैम यहाँ पर क्या क्या चीजें लगा रखी है आपने? ये देखिए गिलोई है, गिलोई का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, और ये पपीता मेरे घर के बीच से ही लगा है। वो देखिए उधर एक पपीता चल रहा है, इतना बड़ा पेड़। यहाँ के ऊपर इतना बड़ा पपीता। हाँ जी, ये क्यारी है थोड़ी सी, हाँ उसी हाँ में लगा दिया था। अच्छा। तो लगा था कि शायद नहीं बढ़ेगा, हाँ लेकिन हाँ अच्छी ग्रोथ हो गई। पिछले साल भी हमने हार्वेस्ट किए पपीते। ओहो हो, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। एक्चुअली मेरा हेल्पर है, उसको भी बहुत शौक है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा करता रहता है। मैं उसको भी इंट्रोड्यूस करूंगी। तो और यहाँ पर यहाँ सारे अभी सर्दियों की वेजिटेबल्स की तैयारी हो रही है। ओके। ये सारे पालक हैं, वहाँ पे टोमेटो की सैपलिंग्स हो गई। ये मेरी एक चल रही है बुलेट मिर्ची है, ये छोटी मिर्ची होती है, ये वाली यू कैन सी। हाँ ये हाँ है, ये जो अगर देख सकते हैं तो ये छोटी है, ये भी छोटी छोटी वाली है ना? हाँ जी, ये छोटी सी गोल रहती है बस। ओके। बढ़ती नहीं है। तीखी होती है? तीखी होती है बहुत। ये मेरी एक मेड गांव से लेके आई थी बीज। अच्छा। तो वही बीज लगाए, 2 साल की मेहनत है ये, अब जाके फ्रूटिंग हो रही है। अब जाके बुलेट मिर्ची किसी ने बताया था। अच्छा। ये देखिए ये शकरकंदी लगी हुई है। शकरकंदी भी लगा दी आपने? ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये मेरा हेल्पर भी थोड़ा करता रहता है। ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि शकरकंदी। शकरकंदी लगाते हैं लोग, आलू लगाते हैं, शकरकंदी। शकरकंदी नहीं देखा मैंने किसी के छत पर जिसने लगा रखा है।
और ये तो सारे फ्लावरिंग है, ग्रीनरी है, जो जैसे सर बताते हैं बायोडाइवर्सिटी बना के रखो। अच्छा, तो सारे फ्लावर्स और बेसल्स वगैरह लगा रखे हैं आपने? बेजल्स और तुलसी जगह जगह मैंने लगा रखी है, सदाबहार भी बीच बीच में जगह जगह लगा रखी है जी। ये शमी का पौधा है, देखिए इसके फ्लावर कितने सुंदर हैं, अलग अलग कलर दिखाते हैं ये। अच्छा, बहुत ही सुंदर है, ये मैंने नहीं देखा था अभी तक। और इसकी तो वैसे भी स्पिरिचुअल भी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लोग पूजा करते हैं। और ये सारा मालाबार स्पिनच पोई साग लगा हुआ है, पोई साग लगा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा, ये बहुत बढ़ता है इसलिए इसको बैकग्राउंड में कर दिया। बहुत ही सुंदर है। और ये इधर सारी भिंडी है, भिंडी भी लगा रखी है। ये भिंडी भी देखिए तोड़ने वाली हो गई है। और ये देखिए ये मेरा चाइव्स है, इसके पत्ते में गार्लिक की फ्लेवर होता है। गार्लिक की ना? हाँ जी, फ्रेग्रेंस बहुत तेज है, बहुत तेज है। इसको हम लोग रोटी में, परांठे में, चाइव्स, चाइव्स ये थोड़ा यूरोपियन खाने में ज्यादा यूज होता है। इट्स अ हर्ब। अच्छा, इट्स अ हर्ब। हाँ, ओके। तो ये अभी मैच्योर हो गया, फ्लावरिंग पे आ गया, बीज बन रहे हैं आप। ओके। और ये चाइना ऑरेंज है, ये चाइना ऑरेंज है, मतलब सारी चीजें लगा रखी है आपने, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत पुराना, 20-25 साल हो गए इस पेड़ को, चाइना ऑरेंज। और ये सारी ककड़ी, हमारी इस बार ककड़ी की हार्वेस्ट बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, ककड़ी भी आपने लगाई? हाँ, ये सब ककड़ी है। यहाँ फ्लावरिंग और इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, इधर ककड़ी आपको रेडी भी मिलेगी। ये सारे बीन्स हैं मेरे। अच्छा, इधर बीन्स लगा, ये काउपी जिसको हिंदी में हम लोग लोबिया कहते हैं। हाँ, लोबिया ना, ये भी, ये सारी ककड़ी है। अच्छा, ये येलो फ्लावर्स वाले सब ककड़ी है। ये देखिए ककड़ी ये हो रखी है एक। अरे वाह, बहुत ककड़ी खाई है हमने इस बार। वाह, मैंने ककड़ी भी नहीं देखा अभी तक, किसी ने लगा रखी है। ये सारे बैंगन है, बहुत भरमार हो गई है बैंगन की, और मैं इनको निकालने की सोचती हूँ, फिर कोई फ्रूटिंग हो जाती है तो फिर छोड़ देती हूँ। तो कितने पुराने बैंगन? ये लास्ट ईयर लगाए थे, लास्ट ईयर लगाए जुलाई में। ओके, तो एक साल हो गया। हाँ जी, तो ये देते रहते हैं फ्रूटिंग, ऑफ एंड ऑन आती रहती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, फिर से इनकी मिट्टी सॉइल सब ठीक करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उससे फर्क पड़ जाता है जी। अब ये इस बार लगाए हैं मैंने जुलाई में, तो ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसकी भी। व्हाइट बैंगन, व्हाइट बैंगन मैंने अभी तक खाए नहीं है कभी। बहुत ही सुंदर, तो इनकी स्किन बहुत ज्यादा शाइनी होती है, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी सब व्हाइट बैंगन लगे हुए हैं। एक बार करते करते आपकी मिट्टी भी हमारी अच्छी हो जाती है, और हमारा एक सिस्टम बन जाता है कि टाइम टाइम पे हमने ये करना है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर बाद में मैनेजमेंट हमें समझ में आ जाता है किस तरह से सिस्टम बनाना है, कि कब क्या डालना है, तो फिर उससे इजी हो जाता है। आपको आगे दिखाती हूँ, ये करेले हैं। अरे वाह, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि साइज में फर्क पड़ता है क्या? ये देखिए साइज, साइज तो नहीं, हमारे जो भी और भी फ्रेंड्स हैं जो करते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग, सबके बहुत अच्छे साइज आते हैं। ये भी हार्वेस्ट के टाइम हो चुका है? हाँ जी, इसका भी हो चुका है। क्या बात है मैम, बहुत ही बढ़िया। ये बताइए कि जब जो भी नए गार्डनर होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, उसको क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि इस चीजों से आप उभरी होंगी तो आपको पता होगा। सबसे पहले तो देखिए उनको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। okay. जो हमें सर ने सिखाया, ठीक है, 5S का फॉर्मूला, सन, सॉइल, सीड, सैपलिंग और सीजन, इन चीजों का ध्यान करना बहुत जरूरी है कि कब क्या लगाना है, और अच्छे सीड हो, अच्छी मिट्टी पहले बन जाए। तो फिर आधे जंग तो वहीं पे कवर हो जाती है जब हमारी सॉइल मिक्सचर अच्छा होता है। उसके बाद फिर टाइम टाइम पे कैसे मैनेजमेंट करना है वो हमें धीरे धीरे समझ में आता जाता है। हाँ, ट्रेनिंग लेने से, खुद से करते हैं तो शायद बहुत साल लग जाएंगे एक्सपीरियंस करते करते। आजकल YouTube में भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आप 10 चीजें फॉलो करने लगेंगे तो कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। और प्रवीण सर ने हमारे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को, मतलब डाउट्स को इतना क्लियर किया है कि इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं जी। रिजल्ट जब सामने आने, रिजल्ट आते हैं तब तो बात ही कुछ और। ऐसा नहीं लगा था कि मतलब कि आप ट्रस्ट कर रहे थे किसी पे और उसका मतलब रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा?
पहले और अब में? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया, हाँ, मैंने जब ज्वाइन किया था प्रवीण जी को, तो वेस्ट मैनेजमेंट की उनकी एक वर्कशॉप से मैंने स्टार्ट किया था। मैं ऑलरेडी कर रही थी अपनी कॉम्पोस्टिंग, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ठीक बन रही है या क्या प्रॉब्लम्स उसमें, या शायद मुझे और बेटर करना चाहिए, इसलिए मैं वर्कशॉप अटेंड करने गई। वहीं से मैं उनके साथ जुड़ी, तो उन्होंने फिर जब आके घर पे आके ट्रेनिंग दी, तो उससे ज़्यादा और क्या कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं आया। जब जो इंसान आपके पास खुद चल के आके आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो तो कॉन्फिडेंस तो होगा ही होगा। और फिर वो टाइम टाइम पे विजिट करते हैं और आपको बताते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या कमी है, क्या ठीक चल रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करना बनता है, तो लाइक कर दीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।